कैमरा एक्शन और आरती खेत्रपाल, सिनेमा की दुनिया के परख और एक्टिंग के गुण। जब जन्म ही एक ऐसे परिवार में हो जहां अभिनय का अनुभव हो और इंडस्ट्री की पहचान, जी हां, पिता असीम खेत्रपाल सिनेमा की दुनिया का एक जाना माना नाम और उनकी बिटिया आरती खेत्रपाल, मतलब सिनेमा का अनुभव उनके खून में भरा हुआ था। साथ ही था वृंदावन का अलौकिक देवीय अनुभव। आध्यात्म और आस्था के संगम मथुरा वृंदावन से जब आरती खेत्रपाल ने अपने सफर की शुरुआत की तो मंजिलें खुद ब खुद बनती गई। देश की राजधानी दिल्ली जब वो पहुंची तो वहां एक खास शो से शुरुआत की। जी हां, न्यूज चैनलों की दुनिया से शुरुआत हुई। टेक्नोलॉजी की बातें अपने शो के जरिए लोगों तक पहुंचाई और समझाया कि आखिरकार टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन मंजिल तो माया नगरी मुंबई थी। शुरुआत टेली सीरियल एयरलाइंस के साथ हुई, जिसके साथ साथ एड की दुनिया में भी उन्होंने धमाल मचा दिया। हर बार एक नए रंग, एक नए रूप में नजर आई आरती खेत्रपाल। लेकिन मंजिल आगे बढ़ रही थी और सफलता उनके कदम चूम रही थी। साल 2017 बड़े पर्दे पर उन्होंने कदम रखा और फिल्म मुस्कुराहटे लेकर उन्होंने अपने चाहने वालों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर दी। इसके बाद दौर बदल रहा था। दौर था ओटीटी प्लेटफॉर्म का। इसके बाद एक और रूप में आरती खेत्रपाल नजर आईं और ओटीटी प्लेटफॉर्म में उन्होंने जगह बनाई रागिनी एमएमएस की एक बड़ी हिट सीरीज में। जी हां, यह आरती खेत्रपाल के अभिनय और काबिलियत का ही जलवा था कि उन्हें रागिनी एमएमएस रिटर्न्स में एक बड़ा ब्रेक मिला और वो एक बार फिर दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ गई। सिर्फ अभिनय की दुनिया ही नहीं, वो एक स्विमिंग चैंपियन है, कराटे में ब्लैक बेल्ट है और कई और विधाओं में पारंगत है। एक बार फिर आरती खेत्रपाल अपनी नई फिल्म कुतुब मीनार के साथ दर्शकों के बीच आने जा रही है। तो क्या है कुतुब मीनार में उनकी भूमिका और अपने दर्शकों को आने वाले दिनों में और किस रूप में वो नजर आने वाली है, इसके लिए खास बातचीत की जय भारत टीवी के संपादकीय सलाहकार सलीम सैफी ने। आइए, उन्होंने क्या कुछ बताया आपको दिखाते हैं। आरती खेत्रपाल ग्लैमर की दुनिया का वो नाम है जिसने महज 3 साल में बॉलीवुड की दुनिया में तहलका मचा दिया। आरती की खूबसूरती के चर्चे हर जगह हो रहे हैं। ऐसा ही नहीं, खूबसूरती के बूते ही नहीं, आरती की अदाकारी, उनका अंदाजे बयां इतना गजब है कि जो एक बार आरती के अभिनय को देखता है देखता ही रह जाता है। इस वक्त आरती हमारे साथ हैं, आरती की वैनिटी वैन में हम बैठे हुए हैं और आरती उत्तराखंड में फिल्म कुतुब मीनार की शूटिंग के लिए आई है। एक बहुत ही अहम रोल निभा रही हैं आरती। आरती का कैरियर अभिनय की दुनिया में आया, सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा आरती के बारे में, आरती ने CBSE 12वीं क्लास की कक्षा में मार्केटिंग में ऑल इंडिया टॉप किया था। सबसे ज़्यादा मार्क्स पूरे इंडिया में आए थे। वृंदावन में अपना बचपन गुजरा, घर वालों की मर्जी से आगे बढ़ी, घर वालों का आशीर्वाद रहा। आरती, आपने इतना शानदार परफॉर्मेंस दिया एजुकेशन में और फिर ग्लैमर की दुनिया का रुख किया, आखिर क्या वजह रही? देखिए, जब मैं मार्केटिंग पढ़ रही थी तो मार्केटिंग में इट्स ऑल अबाउट हाउ टू क्रिएट अ ब्रांड। एंड फिर मैंने सोचा कि किसी के ब्रांड को बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, खुद ही ब्रांड बन जाओ। एंड आई एम वेरी को करिकुलरली एक्टिव, क्योंकि मैं वृंदावन में पली बड़ी, मेरी मदर ने मुझे सारे को करिकुलर एक्टिविटीज में डाल दिया, कराटे, उड़ीसी, कंप्यूटर्स, यू नो, ठाकुर जी का जो श्रृंगार का सेवा होता है उसमें फूल बनाना, उनका पोशाक बनाना। सो आई वाज सो बिजी फ्रॉम डे इन टू यू नो अर्ली मॉर्निंग टिल नाइट कि मुझे एक आदत हो गई थी टू जस्ट बी मोर को करिकुलरली एक्टिव एंड क्रिएटिव। एंड उसी के चलते चलते जब आप एक छोटे शहर में आप एक्सेल करते हैं तो आपको वो जज्बा और वो जुनून जो जीतने का है वो आप बहुत जल्दी सीख लेते हैं। तो जब आप बड़े शहर में भी आते हैं तो आपको लगता है, अरे यू नो, देयर इज अ कोट इन इंग्लिश सेइंग यू लर्न इन द सिटी एंड लीड इन द वर्ल्ड। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड कि मेरी परवरिश वृंदावन में हुई, मैंने वहाँ से अपना
प्रोग्रेस देखना शुरू किया और मैंने कहा यही मेरे को रेप्लिकेट करना है बड़े शहर में और बड़े प्लेटफॉर्म पे. हमेशा से मेरे दिमाग में यही था कि अगर मैं डांस भी कर रही हूँ आई हैव टू बी ऑन द बेस्ट स्टेज. अब मैं लियो हूँ, अगर आप जेनिफर लोपेज को देखती है या आप रॉजर फेडरर को देखते हैं, देयर ऑलवेज यू नो दे लुक एट द वर्ल्ड ग्लोबली. तो आरती एक चीज बताइए कि जब आप फिल्मों के बारे में प्लान कर रही थी, हमारे दर्शक भी आपको देखकर ये जानना चाहेंगे कि आरती वृंदावन जैसे शहर में रही जो धर्म नगरी है. वृंदावन श्री कृष्ण की वो नगरी है जहाँ से निकलने वाले शख्स को कामयाबी कदम चूम रही है. आरती भी उन्हीं में से हैं. तो आरती हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जब आप ऑल इंडिया टॉप किया था उस टाइम क्या सपने थे, जो आपकी एज के बच्चे थे वो क्या सोचते थे और आप क्या सोचते थे, हमारे दर्शकों को बताइए. अब एक्चुअली यकीन नहीं मानेंगे तो मेरे कॉलेज का मेरे स्कूल का एनुअल फंक्शन था और हर साल मैं एक रिकॉर्ड ब्रेकर थी कि पिछले साल अगर मैं 4 shows में हूँ तो इस साल मैं 5 performances दूंगी. करते 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 आई वेंट ऑन टू बिकम द हेड गर्ल ऑफ द एंटायर डिस्ट्रिक्ट. मथुरा इज अ डिस्ट्रिक्ट. तो वो सब तो हो गया और उसके बाद मेरा प्री बोर्ड आया. प्री बोर्ड में मेरे मार्क्स आए 34. सेकेंड प्री बोर्ड में मेरे मार्क्स आए 35. तो मुझे मेरे वाइस प्रिंसिपल ने कॉल करके बोला कि आरती देखो तुम सारी की सारी यू आर ऑलराउंडर, तुम्हारी सब चीज़ें अच्छी बट तुम्हारे एग्जाम्स एक महीने में पढ़ लो. ही गेव मी अ बंच ऑफ 10 years जो हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए. मैंने एक बार, आई स्वेयर टू गॉड, विद्या की कसम खा के मैं बोल रही हूँ, मैंने एक ही बार अपना पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा और इस कदर पढ़ा है, मैंने कहा कि अब तो बेटा अगर निकल रहे हो स्कूल से तो छक्का मार के निकलना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन. एंड आई वाज लाइक दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट चांस आई विल एवर गिव एन एग्जाम इन स्कूल, सो लेट्स किल इट. एंड जब मेरे 96% or 99% आए तो जो मेरे क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं ना जो हमेशा टॉप करते थे, जो फर्स्ट बेंचर्स थे और जो हमेशा देखते थे हाँ ठीक है एक्टिंग और डांस तो कर लेते हैं पढ़ाई में देखेंगे, उनकी शक्ल देखने लायक थी उन्हें. क्योंकि जब जब पेपर में निकलता है जब आप टॉप करते हो और जब सारे सारे स्कूल्स के टॉपर्स आते हैं बाहर, वो मुझे ऐसे देख रहे थे कि यहाँ भी आ गई. मैंने कहा हाँ मैं यहाँ भी आ गई. तो बहुत बहुत अच्छा फील था. एंड उस टाइम पे मैंने यही सोचा कि दिस इज गोइंग टू बी माय लास्ट, सो लेट मी मेक द मोस्ट ऑफ इट. तो कभी आपको लगता था कि आप फिल्मों में ग्लैमर की दुनिया में करियर बनाएंगी और कामयाब होंगी? हमेशा से, जब भी मैंने बताया ना कि वृंदावन में मैं बहुत सारे परफॉर्मेंसेस करती थी तो हम लोग ईशा देओल और हेमा मालिनी के साथ भी हम लोगों ने स्टेज शेयर किया है बिकॉज आई एम ऑल्सो उड़ीसी डांसर. तो क्योंकि उड़ीसी डांसर थे तो हर हमेशा हम लोग को स्टेज में होना पड़ता था, तो हेयर मेकअप स्पॉटलाइट वॉज ऑलवेज इन माई आई थिंक इन माई DNA. एंड आई वाज लाइक हाँ अभी तो स्टेज छोटा है, अभी तो बहुत बड़ा स्टेज जाना है. अच्छा आरती, आपने Z5 और बालाजी हॉल में बहुत काम किया, तो आपने क्या क्या अचीवमेंट पाए और कौन से रोल को सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया अभी तक? सबसे ज़्यादा तो अभी तक मैंने ये वाला रोल इन्जॉय किया क्योंकि जितने भी सारे कैरेक्टर्स थे आई वॉज प्लेइंग समथिंग, बट हियर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू एड माई पर्सनैलिटी ऑल्सो. क्योंकि ये जो लड़की है ये कॉलेज में है तो मुझे कॉलेज की याद आ जाती है और सारा क्राउड ऐसा है, करणवीर का कैरेक्टर है एंड देन संजय सर ने, ऑफकोर्स संजय सर ने ना सारे के सारे कैरेक्टर्स को ब्रेक करके हमारी पर्सनैलिटी बाहर निकाली है रिहर्सल्स में. एंड दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट दैट आई थिंक आई हैव प्लेड टिल नाउ. अच्छा Z5 में आपने जो रोल निभाया Z5 में और क्या क्या किरदार थे, क्या सीरियल थे और ग्लैमर की दुनिया में क्या क्या आपने अभी तक किया है, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे. Actually, old Balaji mein I played a lesbian and when I was playing that lesbian I was like yaar actually because I am obviously straight but I know that you know har ladki aur homosexuals ki zindagi aur unka mindset kis tarah hota hai. So I learnt and I saw documentaries, I spent time with people who were you know who had likings towards other their partners and उसको स्टडी करने के लिए मेरे को थोड़ा टाइम लगा. एंड जब तक मेरा कैरेक्टर आया इतने हम लोग नरेशन और हम लोग रीडिंग्स करते थे, प्रेप करते थे अपने डायरेक्टर्स के साथ कि जब मेरा रोल आया तो मैंने कहा कि देखो तुम तो स्ट्रेट हो बट तुम एक पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हो, देन यू हैव टू बी योर बेस्ट एंड यू हैव टू शो द बेस्ट साइड ऑफ दैट गर्ल फ्रॉम दैट कम्युनिटी सो दैट एवरीबडी कैन दोज गर्ल्स कैन रिलेट विद यू.
कुछ भी ओछापन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नेचुरल और ह्यूमन साइड दिखना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा कैरेक्टर उस तरह से है तो मेरे को उस कैरेक्टर को 100% जस्टिफाई करना पड़ेगा. सिमिलरली इन कैसीनो मैंने एक रोल प्ले किया था वेर आई हैड टू वेर दिस गर्ल वेर किमी हैड टू कट लाइंस. तो ग्लूकोन डी रखा था, मैं तो ड्रिंक भी नहीं करती, मैं स्मोक भी नहीं करती, वेजिटेरियन हूँ. तो मैंने कहा कि अच्छा ये कैसे करना है, तो मैंने 2-3 बार मेरे एडी ने मुझे बताया, उन्होंने एक पेपर रोल किया और उन्होंने कर लिया स्नॉट. कि तो ग्लूकोन डी है यार, मैं तो पाउडर भी अगर मेरे को आई गेट वेरी दिस थिंग इरिटेटेड विद डस्ट, तो ग्लूकोन डी नाक में जाएगा तो क्या ही होगा. तो फिर हम लोगों ने करते कराते चीट किया. फिर मैंने कहा वेट, मैंने एक वीडियो देखा प्रॉपरली हाउ डू पीपल स्नॉट लाइंस एंड देन आई लर्नड इट एंड देन आई डिड इट, बट इट वाज अ फन एक्सपीरियंस. तो इसके अलावा किस तरीके के रोल आप करना चाहेंगे भविष्य में? मैं एक्शन के रोल्स जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि इंडियन स्पेस में फीमेल सेंट्रिक एक्शन फिल्म्स इतनी नहीं बनती है, काफी कम बनती नहीं. तो बट हॉलीवुड में आप देखें तो एक एक्टर का ग्राफ बहुत अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है. जैसे गैल गैडोट हैं एंड वो वंडर वुमन बनी थी, एंड वो वंडर वुमन तब बनी व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट. सो यू नो द एज मार्क इज आउट ऑफ द क्वेश्चन and action is just for men is out of the question. You can be at any age, you can be in any shape, you can just work on yourself and the screen will be yours. acha aaj kal koi bhi web series ho film ho uske andar law making scene ka ek craze chal raha hai, khaas taur se web series mein. to law making scene ke bare mein aapki kya soch hai aur kis tarike ke ye scene hone chahiye, kisi ladki ko karne chahiye nahi karne chahiye, सक्सेस में कितना रोल होता है लव मेकिंग सीन का किसी भी अदाकारा के लिए? आई डोंट थिंक सक्सेस में कोई लव मेकिंग सीन का कोई रोल होता है. इट्स अ पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर. ऐसे तो करीना वाज इन हीरोइन, देन देयर आर रेप सीन्स वेयर वुमेन हैव टू डू दैट. तो कोई ये नहीं बोलता कि एक रेप सीन करके एक हीरोइन का कितना सक्सेस रेशियो या ग्राफ बढ़ता है. It is a part of the play. It is a part of the character. And of course, web, क्योंकि अभी तक उसमें censorship नहीं है, so directors are obviously trying to play with it more. But I think after a point of time, people are just going to get, you know, जब याद है जब kissing scene नहीं होते थे पिक्चरों में, और जब kissing scene होते थे तो माँ या तो channel बदल देती थी, या कोई बाहर चला जाता था, कोई पानी लेने भेज दिया जाता था. Now kissing scenes have become so casual, right? You know, because it's a part of your life. एक दौर होता है जब नई चीजें हम नहीं देखते और हम लोग को लगता है ओह माय गॉड ये क्या है. अब आई थिंक सब इतना देख चुके हैं कि अब वो भी काफी नॉर्मल बन चुका है. बट इट इज अबाउट शूटिंग इट एस्थेटिकली, ओछा नहीं दिखना चाहिए, यू नो. अच्छा एक चीज बताइए, आप उत्तराखंड आई हैं देवभूमि, तो पहले भी आ चुकी हैं आप या नहीं? मैं एक्चुअली लॉकडाउन जैसे ही लिफ्ट हुआ था ना, जब पहली फ्लाइट हुई तभी मैं आ गई थी. आई वाज लाइक देहरादून जा रहा है, मसूरी जा रहा है. आई लव इट. जब उन्होंने बोला कि देहरादून जा रहे हैं तो मैंने कहा हो मजा ही आएगा. तो कल मैं मसूरी जा रही हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि देहरादून आया मसूरी नहीं गए. एक्चुअली आई सेलिब्रेटेड माई फ्रेंड ना बर्थडे हियर एंड क्या, और उस टाइम तो ऐसा लग रहा था पूरी की पूरी दिल्ली आ गई हुई है, जहाँ देखो अरे आप भी कहीं लॉकडाउन तो चल ही नहीं रहा. तो अच्छा आप उत्तराखंड में भविष्य में और भी काम करना चाहेंगे? एक्चुअली उत्तराखंड हैज बीन वेरी लकी फॉर मी फॉर सम रीजन. एक तो यहाँ का वेदर इतना अच्छा होता है ना, सो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स फाइंड इट ईजी एंड इवन एक्टर्स, स्किन हमारी स्वेट नहीं करती है एंड इट इज फ्रेश एंड द वेदर इज बेटर. तो आप खिले खिले गोरे गोरे लाल लाल लगते हो. दैट इज वन रीजन वाई हिल्स में शूटिंग होती है. सिंगिंग भी करती हैं? आई डू सिंग. गाना गवाओगे मुझसे? हमारे दर्शकों कुछ गा के सुनाइए. हिंदी में सुनाते ना? बिल्कुल. कौन सा गाना था वो? ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरू, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का कुसू, कोई माने के ना माने लोग मानेंगे
या मोहब्बत का ला ला जवाब। तो आप तो मल्टी टैलेंटेड हैं, जूडो कराटे हो, सिंगिंग हो, परफॉर्मेंस हो, तो यानी कि आप एक शानदार कॉम्बो है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, है ना? तो आपने जिस तरीके से अपने करियर की शुरुआत की है, आपका कोई सपना जरूर होगा, क्या सपना है और उसके अचीवमेंट के लिए कहाँ तक पहुँच पाएंगे? मेरा सपना तो है ऑफ कोर्स टू वेयर अ कंठी माला व्हेन माय स्टैचू ऑफ द मैडम टुसॉड इज देयर, ताकि हर डिवोटी गुजर कहते वाह, मतलब मैडम टुसॉड में खड़ी है और इसके गले में कंठी है। दैट इज वन ऑफ माय बकेट लिस्ट। बहुत ही ईमानदारी के साथ में हमारे दर्शकों को, उन बच्चियों को ये राय दी है जो इस लाइन में अपना कैरियर बनाना चाहती हैं। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि आरती की तरह ईमानदार बनिए। आरती जो भीतर से है, आरती वो बाहर है, आरती ओवरऑल कंप्लीट कॉम्बो है टैलेंट का। पढ़ाई में भी अव्वल है, परफॉर्मेंस में भी अव्वल है, जूडो कराटे में भी अव्वल है, अपने घर के फैमिली में चहीती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आरती ने जो आप लोगों को सलाह दी है वो एक ईमानदार सलाह दी है, और आरती की सलाह मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि ऐसी ईमानदार अदाकारा शायद मुझे पहली बार मिली है जिसने बिल्कुल ईमानदारी के साथ में आप लोगों को ये राय दी है। तो आरती खेत्रपाल आने वाले वक्त में कामयाब अदाकारा बनेंगी, हमारी यही दुआ है। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, मोहम्मद सलीम सैफी कैमरामैन जुल्फिकार के साथ।